वेलकम बैक। सो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ बनाना शैम्पू बाय गुड वाइब्स। बनाना शैम्पू जो है वो लग्जूरियस ब्रांड में आता है, लग्जूरियस हेयर के रेंज में आता है और बॉडी शॉप पे भी बनाना शैम्पू आता है, बट उसका जो प्राइस है वो 600-700 के करीब है, थोड़ा सा कॉस्टली साइड पे आता है, क्वांटिटी कम है। बट गुड वाइब्स ने कम बजट में अच्छी खासी क्वांटिटी लॉन्च की है। इन केस आप चाहते हो बनाना शैम्पू परचेज करना और आप मूड बना रहे हो कि आपको लेना है बट अपना बजट आपका नहीं है, तो डेफिनेटली आप गुड वाइब्स ब्रांड को चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और अभी मैंने 2 महीना इसको यूज़ किया। आप देख सकते हो इसकी क्वांटिटी इतनी हो गई है, 2 महीना मैंने इसे यूज़ किया, उसके बाद मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर लेती हूँ। तो वीडियो में जाने से पहले, रिव्यू शेयर करने से पहले जान लेते हैं कि बनाना शैम्पू हमें क्यों लेना चाहिए, हमारे बालों पे वो क्या असर डालता है, क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें खराब हैं। तो बनाना रिच इन पोटेशियम होता है और हमारे बालों को ना बहुत ज़्यादा ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मॉइस्चराइज करता है, बालों के साथ साथ स्कैल्प के लिए भी काफ़ी हेल्दी होता है। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम फटाफट से ये सॉल्व करता है। इसमें जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करते हैं स्कैल्प और हेयर को, स्प्लिट एंड्स की जो दिक्कत हो जाती है वो ख़त्म करते हैं, बालों को मैनेजेबल बनाते हैं। लाइक बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है बनाना में जो कि हमारे बालों को चाहिए। अगर आपको फ्रिजी हेयर की प्रॉब्लम है, शैम्पू करके आते हो बाल एकदम इस तरह से फूल जाते हैं, देन आप बनाना शैम्पू ज़रूर ट्राई करिए और आपके बाल बिल्कुल मैनेजेबल हो जाएंगे। तो जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना बनाना के अंदर, वो सारे हमारे बालों को चाहिए, हमारे स्कैल्प को चाहिए। बात करते हैं शैम्पू की, तो ये इस तरह के प्लास्टिक बॉटल में आता है एंड पंप बॉटल है विच इज़ प्रिटी गुड। जो बॉडी शॉप का शैम्पू है वो स्क्रू कैप में आता है, पंप बॉटल नहीं है, तो इसका डिस्पेंसर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लाइक एक बार जब पंप करेंगे तो बहुत ही जेनरस अमाउंट में निकलेगा, ऐसा नहीं है कि एक पंप से काफ़ी ज़्यादा सा आपको शैम्पू मिल जाएगा, नहीं, थोड़ा सा शैम्पू मिलेगा, तो जितना रिक्वायर्ड है आप उतना निकालिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका जो डिस्पेंसर है। तो फ्रंट पे ब्रांडिंग है यहाँ पे और एज अ पिक्चर आप देख सकते हो यहाँ पे बनाना शैम्पू और बनाना बना हुआ है, ठीक है। दिस इज़ गुड वाइब्स बनाना शाइन शैम्पू। इसका जो क्वांटिटी है वो है 300 ml, विच इज़ प्रीटी गुड, नो पैराबेंस, क्रुएल्टी फ्री यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि गुड वाइब्स के मोस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं। और गुड वाइब्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली ऑन purple.com मिलेंगे, पर्पल ऐप पे ही मिलेंगे आपको और कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा ये ड्रॉबैक हो सकता है कि अगर आप अवेयर नहीं हो पर्पल के बारे में या आप कहीं और से परचेस करना चाहते हो तो आप इसे परचेस नहीं कर सकते। अगर आपको परचेस करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको पर्पल में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं लाइक काफ़ी टाइम से गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, मैंने स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, काफ़ी चीज़ें मैंने यूज़ की, मेकअप तो नहीं आता गुड वाइब्स से बट हाँ स्किन केयर एंड हेयर केयर है, तो काफ़ी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं गुड वाइब्स की, मुझे बहुत अच्छी लगी है। इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत ही लाइक जेन्युइन प्रोडक्ट्स होते हैं, माइल्ड होते हैं, हमारी स्किन को हमारे हेयर को डैमेज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनकी क्रीम्स यूज़ की, इनकी स्क्रब्स यूज़ किए मैंने, मॉइस्चराइजर यूज़ किया है, सीरम्स यूज़ किए हैं। लाइक अगर आप मेरे फॉलोवर हैं तो आपको पता होगा मैं मेकअप वीडियोस करती हूँ, स्किन केयर वीडियोस करती हूँ, सब में मैं गुड वाइब्स का जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। गुड वाइब्स का जो ब्रांड है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, पेड रिव्यू नहीं है, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। तो अब बात करते हैं शैम्पू की। शैम्पू जैसे मैंने बताया कि हाँ फ्रंट पे ब्रांडिंग है, पिक्चर दी है बनाना की और नीचे लिखा है नो पैराबेन एंड क्रुएल्टी फ्री, बैक साइड में आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मिल जाती है एंड यहाँ पे बाकी मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर केयर नंबर, शेल्फ लाइफ और प्राइस। इसका प्राइस MRP जो है वो है 275 rupees फॉर 300 ml ऑफ द प्रोडक्ट, बट पर्पल पे हमेशा मैसिव डिस्काउंट्स मिलते हैं आपको, हमेशा कुछ ना कुछ सेल चलती रहती है तो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो देन तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलता है। तो मैंने जब इसे लिया था मैंने भी इसको डिस्काउंट पे ही लिया था, शायद मैंने इसे अपने हॉल में शेयर भी किया, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जो मैंने पर्पल हॉल किया था उस पर काफ़ी सारे शैम्पू मैंने मंगाए थे, प्लम वगैरह के भी मंगाए थे। और अभी मैं कुछ टाइम पहले तक, 2 महीना पहले तक प्लम का शैम्पू यूज़ कर रही थी, बट अभी रिसेंट डेढ़ दो महीने पहले मैंने इसको स्विच किया है गुड वाइब्स पे, प्लम शैम्पू ख़त्म हो गया है तो अब मैंने इस पर स्विच किया है एंड आई एम टोटली इन लव विद दिस प्रोडक्ट, टोटली इन लव विद द इफेक्ट, ठीक है। मैंने, आप देख सकते हो अभी हल्की सी शाइन है मेरे बालों में,
ठीक है, मैंने शैम्पू किया हुआ है इससे, अभी मैं जस्ट शैम्पू करके आई हूँ और बस ये रिव्यू शूट कर रही हूँ, तो थोड़ी सी शाइन आप देख रहे हो, ज़्यादा नहीं कैमरे में दिख रही है, बट हाँ इसने काफ़ी हद तक शाइन ऐड किया है मेरे बालों में, ठीक है, विच इज़ प्रिटी गुड। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बालों में हल्की सी शाइन रहती है, क्योंकि वो शाइनी हेयर जो होते हैं ना वो बहुत हेल्दी लगते हैं देखने में, ठीक है। तो इसका जो टेक्स्चर है वो मैं आपको दिखा दूँ, एकदम क्रीम लाइक टेक्सचर है, इसकी जो फ्रेगनेंस है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइक जैसे आप पंप से निकालते हो ना शैम्पू, इंस्टेंटली आप एनर्जाइज हो जाते हो, ठीक है। स्वीट फ्रूटी बनाना फ्रेगनेंस है, एग्जैक्टली बनाना की तरह ये स्मेल करता है, और ये फ्रेगनेंस जब आप हेयर रिंस करते हो ना वो निकल जाती है, जिस टाइम आप शैम्पू लैदर करते हो बस उस टाइम रहती है, रिंस करने के बाद एकदम माइल्ड हो जाती है, हाफ एन आवर बाद एकदम ख़त्म हो जाती है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि थ्रू आउट द डे बनाना बनाना स्मेल करना अकॉर्डिंग टू मी उतना अच्छा नहीं है, कोई भी नहीं चाहेगा कि पूरा दिन उसके बालों में से बनाना की स्मेल आए, जिस टाइम आप शैम्पू करते हो उस टाइम के लिए ठीक है, माइंड रिलैक्स हो जाता है, अरोमा थेरेपी वाला सीन हो जाता है, बट पूरे दिन के लिए नहीं अच्छा होता, तो मुझे इसका अच्छा लगा कि थोड़ी देर बाद निकल जाती है बालों से इसकी स्मेल। येलो कलर का इसका शैम्पू है, और टेक्सचर की अगर बात करूँ तो बिल्कुल बनाना प्योरी, एकदम क्रीम जैसा टेक्सचर है, जैसे मॉइस्चराइजर होता है ना वैसा टेक्सचर है, बहुत सॉफ्ट बहुत माइल्ड इसका टेक्सचर है, और जब इसको मैं शैम्पू मैंने जब अप्लाई किया ना, तो पहले मैंने थोड़ा सा अमाउंट लेके देखा था कि लैदर हो रहा है या नहीं हो रहा है, थोड़े से अमाउंट पे ये लैदर नहीं होता है, बालों को अच्छे से साफ नहीं करता है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि ये माइल्ड शैम्पू है, ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा एक कॉइन साइज अमाउंट मैंने इसको लिया एंड लैदर अप किया बालों पे। अगर आपके बाल ग्रीजी हैं ऑयली हैं देन आपको दो बार इसको शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज एक बार में कॉइन साइज अमाउंट लेके आप लैदर अप करो, सारा डर्ट वगैरह निकल जाएगा। और एक चीज़ और मुझे ऐसा लगा शैम्पू के बारे में कि जब आप थोड़े क्वांटिटी में यूज़ करते हो तो बालों को क्लीन नहीं करता है, बट अगर आप ज़्यादा ले लेते हो, दो से तीन बार अगर आप इसे शैम्पू करते हो लैदर अप करते हो, देन वो बालों से ना एक्सेस ऑयल को निकाल देता है, ड्राई हो जाते हैं बाल, मेरे साथ तो एटलीस्ट ऐसा हुआ है, आई डोंट नो सबके साथ होता है या नहीं, बट मेरे साथ इस शैम्पू के को यूज़ करने के बाद ऐसी प्रॉब्लम आई कि जब मैंने थोड़ा सा लिया तो लैदर अप नहीं हुआ, बट मैंने सोचा कि पहले मैंने ऐसे नॉर्मल बालों पे ट्राई किया, एक कॉइन साइज अमाउंट लिया उसे लगाया लैदर अप किया अच्छे से वर्क किया, ठीक है, बट जब मैंने ऑयली ग्रीसी हेयर पे लिया और दो बार लगाया ऑयल निकल गया, बट एक बार और जब मैंने लगाया तो बाल ना थोड़े से ड्राई से लग रहे थे और यहाँ एंड पे भी थोड़ी सी ड्राइनेस मुझे लग रही थी, भाई पर्सनली मुझे फील हुआ, औरों का मैं नहीं कह सकती बट पर्सनली मुझे ऐसा लगा, ठीक है। तो मुझे इसका ये ड्रॉबैक लगा कि जब आप इसे ज़्यादा यूज़ करोगे थोड़ा सा तो ये बालों से जो ऑयल है ना उसे स्ट्राइप ऑफ कर देगा। और एक चीज़ जो मेजर ड्रॉबैक इस शैम्पू का है वो है इसकी इंग्रेडिएंट्स, इसमें है SLES सोडियम लॉरल ईथर सल्फेट, विच इज़ अ फोमिंग एजेंट, वो शैम्पूज में सोप्स में बॉडी वॉशेस में यूज़ होता है, जो लैदर अप होता है ना शैम्पू, जो कहते हैं ना झाग बहुत अच्छा बन रहा है, लग्जूरियस झाग हो रहा है, फोमिंग हो रही है, ये फोमिंग एजेंट है और इससे रेडनेस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, इचिंग जैसी प्रॉब्लम होती है, ये SLS की कैटेगरी का ही है, SLES तो लैदरिंग एजेंट है, नहीं होना चाहिए था भाई, जब आप क्रोल्टी फ्री ब्रांड क्लेम कर रहे हो, नो पैराबेन नो लाइक एनी हार्मफुल केमिकल्स वाला ब्रांड क्लेम कर रहे हो, देन आपको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए था कि आप SLES SLS वगैरह हार्मफुल केमिकल्स ना यूज़ करो, ठीक है। पहला पॉइंट ये मुझे नहीं अच्छा लगा। सेकेंड जो है इसमें है PEG-12 डाई मेथिकोन, तो ये भी एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है, वो जो लग्जूरियस फोम कहते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट सा स्पॉन्जी सा फोम बनता है जो, ठीक है, उसके लिए इसमें डाला गया है इसको, और वो फोम काफ़ी देर तक रहे आपकी, अगर बॉडी वॉश में पड़ा है तो बॉडी पे, अगर शैम्पू में PEG-12 पड़ा है तो बालों में बहुत देर तक वो फोम जो टिका रहता है ना ये उसके लिए है, और ये एक तरह का इमल्सीफायर है, तो नहीं होना चाहिए ये भी, तो मुझे ये भी नहीं पसंद आया इसका। लाइक इसमें है सोडियम लॉरल ईथर सल्फेट, PEG डाइमेथिकॉन, एक्रिलेट को पॉलीमर, काफ़ी सारे तरह के इसमें केमिकल्स वगैरह पड़े हुए हैं, की इंग्रेडिएंट्स मेंशन किया गया है, लास्ट पेज में दिया है पायरस मॉलस फ्रूट एक्सट्रैक्ट, परफ्यूम कलर
बनाना फ्रूट एक्सट्रैक्ट, फ्लावर एक्सट्रैक्ट, एकेशिया कॉर्नसिना एक्सट्रैक्ट, तो ये सारी चीज़ इसमें है, मैं लगा दूंगी इसका स्नैपशॉट, आप देख लेना क्या क्या चीज़ें हैं। और मुझे बस एक मेजर ड्रॉबैक यही लगा कि जब ये क्रुएल्टी फ्री ब्रांड क्लेम कर रहा है देन दे वुड हैव टेकन केयर ऑफ इट कि इसमें SLES और PG-12 जैसे सब्सटेंस ना पड़े हों, क्योंकि हम पैसे खर्च कर रहे हैं ब्रांड का ट्रस्ट देख के, ब्रांड की लेबलिंग देख के, ब्रांड जो क्लेम कर रहा है वो देख के। बट जो क्लेम कर रहा है काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन डेली पर्पस के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। लाइक अगर आप डेली यूज़ के लिए से यूज़ करना चाहते हैं देन इट्स अ बिग नो फ्रॉम माय साइड, क्योंकि इसमें SLES वगैरह है वो आपको नुकसान करेगा, ठीक है। तो अगर मैं प्रोज की बात करूँ शैम्पू की, जो चीज़ें मुझे पसंद आई हैं वो है इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी, हैंडी पैकेजिंग है, पंप डिस्पेंसर मुझे अच्छा लगा क्योंकि जितना अमाउंट हमें चाहिए सिर्फ उतना ही निकलेगा, स्क्रू कैप वाले में कभी ज़्यादा निकल जाता है कभी कम हो जाता है तो इस तरह की प्रॉब्लम चलती रहती है, बट पंप डिस्पेंसर है तो जितना चाहिए उतना ही मिलेगा आपको, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। फ्रेग्रेंस ऑसम है, इंस्टेंटली एनर्जाइज करती है, बूस्टअप करती है, ठीक है। इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही हेल्दी शाइन प्रोवाइड करता है बालों को, काफ़ी हेल्दी बाउंसी लगते हैं बाल देखने में, डैंड्रफ पे भी ये असरदार है। अब एक बार के यूज़ में आपको नहीं असर मिलेगा, बट हाँ 3 से 4 बार जब आप इसे यूज़ करोगे ना तो आपको लगेगा कि आपके जो स्कैल्प है, जो डैंड्रफ है, इचीनेस है, वो रिमूव हो गई है। ऑयली स्कैल्प है तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ऑयली स्कैल्प में बनाना शैम्पू नहीं यूज़ करना चाहिए। हालांकि मेरी भी ऑयली स्कैल्प है बट कभी कभी मेरी एक्सट्रीम ड्राइनेस हो जाती है तब मैं इसे यूज़ करती हूँ, ठीक है। अभी 1 महीने पहले से जब मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया वो इसलिए क्योंकि मुझे ऑनेस्ट रिव्यू देना था, ठीक। कौन की बात करूँ तो जो मैंने बताया कि इसमें SLES है और सिर्फ की इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, सारी पूरी इंग्रेडिएंट की लिस्ट मेंशन नहीं है इसमें। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप रिव्यू पसंद आया होगा, ऑनेस्ट रिव्यू है भाई, शेयर करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, बिल्कुल भी पेड नहीं है, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे जो फील हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए, ऑनेस्ट रिव्यूज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर एंड बी ब्यूटीफुल, बाय बाय।